फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको, ये हमारे पास स्कूल यूनिफॉर्म है और इसमें से हमें कंठी गला बनाना है, जो नीचे प्लेकेट्स होती है और ऊपर को गोल कॉलर होता है। स्कूल यूनिफॉर्म का है ये, तो वो हमें इसमें बनाना है। और इसमें से हमें सलवार बनानी है और सलवार के कपड़े में से ही हमने जो जैकेट होती है इसके ऊपर हमें जैकेट बनानी थी ग्रे कलर की, तो वो सलवार के कपड़े में से ही बनानी थी। तो 3 मीटर हमारे पास जो ये कपड़ा है, सलवार का कपड़ा 3 मीटर है और उसमें से हमने जो जैकेट निकाली है वो हमारा 1 मीटर से ऊपर यानी 1.25 मीटर हमारा कपड़ा लगा है। तो अब ये इस समय हमारे पास सलवार के लिए 1.25 मीटर कपड़ा है, इसमें से हमने जैकेट निकाली थी। और ये जैकेट हमने इसके ऊपर बनाई है, ओवर कोट जिसको बोलते हैं, तो इसको यूनिफॉर्म का ही बनाया है हमने। और अभी हमारे इसमें बटन भी लगाने हैं, तो हम इसको पूरी यूनिफॉर्म तैयार होने के बाद भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमने इसमें से, इसमें हमारा 1 मीटर से अधिक कपड़ा लगा है और उसके बाद हमारा जो ये सलवार का कपड़ा है 1.25 मीटर है। तो जो स्कूल यूनिफॉर्म की कटिंग है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो 1.25 मीटर है सलवार का कपड़ा, तो इसमें से हमें किस तरीके से सलवार भी अच्छी बन जाए और हमारी कटिंग भी अच्छी इस तरह हो जाए, तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ये देखिए, जो सलवार की लेंथ है वो 36 है की, और मोरी हमारे पास इसकी 5.5 रखनी है, बेल्ट 21 रखनी है और जो आसन है वो 14 इंच का रखना है। तो 36 हमें लंबाई है, तो उसमें सबसे पहले हमें 4 माइनस करके और जो इसकी लंबाई है सबसे पहले कली और गोटे निकालेंगे, तो वो हमें 32 इंच के रखने हैं। और जो हमने 4 इंच माइनस किए हैं वो हमें बाद में किस तरीके से पूरे करने हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये कपड़ा है और इसको हम इस तरह से दोनों किनारे इस तरह से मिलाकर, ये देखिए इस तरह से रख लेंगे, और जो किनारे की साइड है वो हम अपनी तरफ कर लेंगे। तो ये किनारे अपनी तरफ है और ये हमने अपनी साइड की हुई है, किनारे डॉट फोल्ड किया हुआ है हमने इसको। इस साइड हमारी बंद साइड है और जो इसका अर्जा देखिए कितना कम है, ये सिर्फ हमारे पास 17.5 है जबकि 21 या 22 तक होता है, तो इतना हमारे पास कम है कपड़ा। और इसी में से हमें इसकी सलवार की कटिंग करनी है। जैकेट हम बना चुके हैं, तो सबसे पहले हमें इस साइड से इसको जो किनारे की साइड है 5.5 इंच की मोरी बनानी है। तो जितनी हमें मोरी बनानी है तो उसी के अनुसार हमें गोडों की या जो हमारे आगे के कुंडे तो उनकी कटिंग करनी होती है। तो 5.5 इंच में हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और देखिए अब हमने इसको 5.5 इंच में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और जो इसकी लंबाई है 36 तैयार लंबाई है, उसमें से हमने 4 माइनस किए हैं और 32 इसकी गोटों की और कली की हमें लंबाई रखनी है। तो यहाँ पर हम 32 पर एक निशान लगाएंगे। और अब हमें इसको जो हमने 5.5 इंच फोल्ड किया है इसको हमें यहाँ से सीधी कटिंग करनी है पहले। तो अपने जो गोटे हैं या कुंडे भी इनको बोलते हैं उनको अलग कर देते हैं इससे। ये देखिए अब ये हमारे दोनों दो हैं, ये तो दोनों साइड के हमारे जो गोटे हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम जो कली है उसकी कटिंग करेंगे और ये कपड़ा हमारा बेल्ट में काम आएगा। अब जो ये कपड़ा है, अब देखिए इसमें से हमें कली निकालनी है और किनारे की साइड हमने इसी तरफ रखी हुई है। तो सबसे पहले 32 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 32 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर इस साइड हम एक आसन का निशान लगाएंगे, 10 इंच का आसन हम इसमें लगाएंगे। और यहाँ पर हमने एक 10 इंच का आसन का निशान लगाया और यहाँ पर 1.5 इंच हमने मोरी का निशान लगाया। अभी निशान को जो 10 इंच का आसन का निशान लगाया क्रोचेरिया का, तो इसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये देखिए ये दो जो कली हैं हमारी, ये इसमें से बन जाएंगी इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये 1.5 इंच है और उस साइड जो हमने आसन का लगाया वो 10 इंच का निशान लगाएगा। अब जो ये साइड है, ये नीचे की साइड हम इधर करेंगे और जो किनारे की साइड हम इधर करेंगे और जो ये आसन की साइड है वो हम इस साइड रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वो अब हमारा इधर कॉर्नर की साइड आ जाएगा इसमें यहाँ पर। और जो ये किनारे की साइड है सीधी थी, इसको हम यहाँ पर इस साइड मिला देंगे और जो आसन की कटिंग की थी वो हम इस साइड हमारी आ जाएगी। ये देखिए ऐसे हम इसको थोड़ा ये कॉर्नर निकला इसको कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ी हमने कटिंग करनी है और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम इसके बराबर ही कली के बराबर कटिंग कर देंगे, निकाल देंगे।
कि ये जो दो कलीरें किनारे की साइड थी ये हमारी खुली हुई थी, अब ये हमारी बंद है तो इसको हम बीच से खोल देंगे। तो दो कली हमारी ये हो जाएंगी और दो कली हमारी ये हो जाएंगी, तो ये चार कली हमारी हो जाएंगी। देखिए चार कली हमारी हो चुकी है, यहाँ पर दो कली हमारी किनारे वाली साइड की है और दो कली हमने ये खोल दिए। अब देखिए जो हमने गोटे निकाले थे, कुंदे निकाले थे, उसकी साइड से हमारा एक कपड़ा बचा था और इसको हम सबसे पहले 21 इंच की हमें बेल्ट लगानी है। तो इसको ये कपड़ा थोड़ा हमारा इस तरह से कम है तो जोड़ लगाकर हमें बेल्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से करेंगे और ये देखिए कि जो चौड़ाई है वो 16 इंच की है इस समय और हमें 21 चाहिए, और जो इसकी लंबाई है वो हमें 8-8 इंच पर सबसे पहले निशान लगाने हैं इस तरह से करके। और देखिए 8-8 इंच के हमने निशान लगा लिया, अभी इसकी हम अलग कर लेंगे बेल्ट को इस तरीके से। और अभी हमारे पास ये 16 इंच की है और बाकी जोड़ हम इसमें से लगाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए अपनी तरफ है, तो यहाँ से हम 8 इंच का निशान लगाकर तो इसमें से निकाल लेंगे, फिर इस निशान लगाएंगे 8-8 इंच का। तो ये हमने कटिंग कर दिया, अब देखिए ये हमारे पास 20 या 20.5 के करीब अभी हमारे पास है, ये 20 है। और 1 इंच का जोड़ हम जो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इस तरीके से करके हम इसको यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमने 8 इंच का निशान लगाया है और इसको भी हम यहाँ रख के इस तरह, सिलाई का कपड़ा आपस में इस तरह से आना चाहिए आधा इंच। अब देखिए 21 इंच की हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मोरी के लिए हमने कपड़ा निकाला, जो इसका ओवर कोट यानी जैकेट बनाई थी उसमें से कपड़ा बचा था, तो ये हमारी इस तरह मोरी में लग कर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी इसके लिए मोरी है, ये हमारी इसमें बुंदे हैं और ये कली है और ये हमने इसमें बेल्ट तैयार की हुई है। अब देखिए जो हमने इसमें से ये हमने 4 माइनस किए थे, 36 थी और हमने इसको 32 लिया था, 4 माइनस किए थे, तो हमें किस तरह पूरे करने हैं, जबकि बेल्ट हमारी 8 थी, यदि हमने इसमें 4 माइनस किए तो 4 होनी चाहिए थी बेल्ट। तो हमें सिलाई का कपड़ा भी रखना होता है। तो सबसे पहले हम आधा आधा इंच जब हम इसको साथ प्लेटें डालकर इसको जोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा इसमें कम हो जाएगा और 1.5 या 1.75 इंच के करीब हमारा नेफा हो जाता है यहाँ पर, तो उसमें कम हो जाएगा। तो ये हमारा 1 और 1.5 या 1.75 के करीब भी हो जाता है, तो हमारा 2.5 या 3 के करीब भी हो जाएगा। और कई बार हम जब नीचे से सलवार बनाते हैं तो ऊपर नीचे होती उसकी आधा इंच कटिंग करनी पड़ जाती है, तो इस तरीके से हमें उसके लिए भी कटिंग करनी होती है। तो ये हमारा 3.5 इंच हो जाएगा और आधा इंच जब हम सलवार के मोरीज के साथ बनाएंगे तो आधा इंच हमें इसका सिलाई के लिए कपड़ा चाहिएगा। तो जब इसको बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा जो हमने 4 इंच कम किया है और 4 इंच हमने बेल्ट में ज़्यादा दिया, इस तरह हमारा 4 इंच पूरा बराबर हो जाता है और जो हमारी सलवार है वो 36 इंच की बनकर पूरी तैयार हो जाती है। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म या सिंपल सलवार हो, कपड़ा कम हो, इस तरीके से बहुत आसान तरीके से ये वाली कटिंग करके आप सलवार की कटिंग कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और देखिए इसकी जो हमने जैकेट बनाई है उसके लिए अब हमने एक वीडियो बना चुके हैं, और जो कुर्ते की स्टिचिंग है उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, वो आप देखिएगा। तो ये फ्रेंड्स, हमने किसने आसान तरीके से इसकी कटिंग की थी और अब हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर के आसन को हमने नहीं खोला था, सिर्फ यहाँ पर हम एक बार एक सिलाई लगाएंगे और इधर का आसन जो खुला हुआ है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अपने जो गोटे यानी कुंदे हमने कटिंग किए थे तो इस तरह से रख के एक हम सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले एक गोटे को हम इस साइड जोड़ लेंगे इस तरीके से और एक हम इस साइड जोड़ लेंगे इस तरीके। देखिए एक गोटा हमने इस साइड जोड़ा और एक हमने इस साइड, अब हम इस तरह से इसको करेंगे और देखिए जो हमने हमारी दो कली बची है ये, तो एक को हम इस तरह से करके इस साइड जोड़ देंगे और एक कली को हम इस तरह से करके, ये हमारा आसन आसन के साथ हो जाएगा और इस तरह से करके हम इसको जोड़ देंगे। देखिए आसने और ये गोटा था, एक कली जो हमारी जुड़ा हुआ आसन था उसमें हमने पहले गोटा जोड़ा और उसके बाद हमने ये देखिए कली जोड़ दी इसके साथ, ये देखिए। और उसके बाद इसी तरह से हमने इधर भी
ये हमने गोटा जोड़ा था, एक कुंता और एक कधी हमारी ये रही और एक कधी हमारी ये रही। और अब हम इसको इस तरह से करेंगे। तो देखिए इधर हमारा खुला हुआ किनारी है, तो एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और इधर हमारा बनता है आसन, तो सिर्फ एक बारीक सिलाई हम एक करके यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए सलवार की जो है बेल्ट है वो हमें तैयार करनी है, तो ये हमने जोड़ लगाकर इसको तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम एक चिड़िया बनाएंगे और उसके बाद इस तरह से करके हम इसका नेफा मोड़ेंगे तैयार करेंगे। हमने बेल्ट में जोड़ लगाकर और बेल्ट को तैयार कर लिया है। 25.5 इंच की हमारी ये बेल्ट तैयार हुई है और देखिए नेफा भी हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए सलवार में सबसे पहले हमने देखिए ये आसन की सिलाई लगाने के बाद पीछे की जो प्लेट होती है इसकी प्लेट ये हमने इस साइड करी और इसका मुंह हमने इस साइड किया इस तरीके से। अब हमारी जो बेल्ट है ये देखिए 25.5 बेल्ट है हमारी, तो ये पूरी हमारी जो बेल्ट होगी वो 41 होगी और आधी देखे थे हमारी ये 20 है, तो डबल हमारी ये 25.5 है। ये देखिए तो 25.5 का जो हाफ हुआ वो 10.25 हुआ, तो 10.25 में यदि हम 1.5 प्लस करते हैं तो हमारे पास, यदि हमने 1.5 जोड़ा 10.25 में, तो हमारे पास 12.5 हो गए। तो 12.5 का निशान यहाँ से हम जो हमारी आसन की सिलाई है 12.5 का एक निशान हम इधर लगाएंगे, जितनी बेल्ट होती है उसका हाफ कर लेते हैं और उसमें हम 1.5 प्लस करते हैं तो 12.5 हुआ। 12.5 में एक निशान हम इधर लगाएंगे और एक निशान हम इधर लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम सीधी तरफ करेंगे इस तरीके से और जो हमारी आसन की सिलाई है तो यहाँ से इसमें हमारे 10.25 में से अब हम 1.5 माइनस करेंगे, पहले हमने प्लस किया अब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचे 9.25। 10.25 में से हम यदि हम 1.5 घटाते तो हमारे पास बचता है 9.25। तो 9.25 इंच के अंदर हम इधर से इसमें इस तरह से प्लेटेड डालेंगे तो इस निशान तक हमारी 9.25 के अंदर आनी चाहिए। उस साइड से हम प्लेटेड डालेंगे तो इस तरीके से डालेंगे इसमें और इस निशान तक जो हमने इधर की तरफ निशान लगाया है पीछे की तरफ, तो यहाँ तक 9.25 में हमारी प्लेटें आनी चाहिए। देखिए ये देखिए पूरी 9.25 इंच के अंदर हमारी प्लेटें आई है उस निशान तक, निशान देखिए तो ये निशान लगा हुआ है इसमें, पूरे निशान तक हमारी 9.25 आसन से लेके, और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह प्लेटें डालनी है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने, ये हमारा आसन है और आगे की तरफ का, और देखिए ये निशान लगाए थे और इस निशान तक देखिए, और ये देखिए इस निशान से यहाँ तक हमारी पूरी 9.25 में प्लेटें हैं, और जो हमने पीछे की तरफ से निशान लगाया था और इधर भी देखिए पूरी हमारी 9.25 प्लेटे हैं इधर कमी। और अब हम इसके ऊपर देखिए बेल्ट को लगाना है, देखिए तो बीच में पहले, सबसे पहले हमें ये चिड़िया है और चिड़िया का हम सेंटर बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर यहाँ एक कंकट लगा लेंगे, चाहे तो आप चौक के साथ निशान भी लगा सकते हैं इसमें, ये देखिए। और पीछे की तरफ से हम इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे, इस कट को हम पीछे की जो आसन की सिलाई है उसके साथ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने बेल्ट लगाकर भी तैयार कर ली है और अंदर सिलाई लगाकर ऊपर एक दबी हुई सिलाई हमने लगा दी है। अब सलवार की मोरी, सलवार की लंबाई 36 रखते हुए और वह बाकी हम मोरी तैयार करके इसको अंदर इस तरह फोल्ड करके बाकी कपड़े को हम मोरी बनाएंगे। अब 1 इंच का तैयार हमें 36 रखनी है, तो इस तरह से हम एक निशान इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद ये सेंटर का निशान होगा। और अब सलवार की मोरी हम तैयार करेंगे, तो ये बुकरम है और आप चाहे तो फॉर्म भी लगा सकते हैं, इस तरह फोल्ड करके हम इसको कपड़े को बीच में कच्ची सिलाई लगाएंगे फिर हम मोरी इसकी बनाएंगे। इस तरीके से सेंटर का निशान मिलाते हैं मोरी पर और बुकरम पर, हमने दोनों पर लगा लिया, इस तरह मिलाकर हम यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
सलवार की मोरी हमने तैयार कर ली है। अब हम इसमें 5.5 इंच की मोरी हमें तैयार रखनी है, निशान लगाकर हम लास्ट की सिलाई लगाएंगे। हम 5.5 इंच की मोरी का निशान लगाते हुए देखिए और उसी तरह निशान लगाएंगे। जो आसन की सिलाई है हमारी दोनों ही तरफ की बिल्कुल मिली होनी चाहिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से 1.25 मीटर कपड़े में से हमने इसकी स्कूल यूनिफॉर्म की ड्रेस है और उसकी सलवार है उसकी इसी में से हमने ऊपर की जैकेट यानी और कोट की हम तुम्हें कटिंग की थी। 3 मीटर हमारे पास कपड़ा था उसी में से हमने इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की है, तो बहुत आसान तरीके से हमने इसको बताया हुआ है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए इसी में से हमने इसकी की जो यूनिफॉर्म थी उसके कुर्ते को हमने बैन वगैरह लगाकर तैयार किया है, तो आप इसकी भी वीडियो हमारे चैनल को जाकर देख सकते हैं। बाजू पूरी बाजू है और कंठी गला है और ये जैकेट हमने इसमें से बनाई थी। इसी में से जैकेट निकालने के बाद हमने सलवार तैयार की थी, तो देखिए बटन वगैरह सब हमने लगा लिए हैं। ये देखिए अब एक बार आपको उम्मीद डालकर दिखाएंगे।